तो हेलो गाइस यार, कैसे हो सबके सब। आज स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। गाइस आज ना हम कुछ अलग करने वाले हैं, मतलब COD में। असल में खेलेंगे तो COD ही, बट उसमें जो हम हर बार पम्पकिन में खेलते हैं, ठीक है, तो उसी में आज खेलेंगे, बट कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे कि क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कोई एक सिंपल गन ले लेंगे गाइस, मतलब ओके जो भी हमारी फर्स्ट लोड आउट में गन होगी या सेकेंड में होगी वो ले लेंगे, देखते हैं क्या है। और उसके बाद 30 किल तक, मतलब टोटल 30 किल हो जाए, चाहे हमारे हो चाहे उनके हो वो मैं नहीं जानता, बट टोटल 30 किल हो जाए, उसके बाद ना हम लोग शॉट गन यूज़ करेंगे। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी रफ्तार कितनी तेज़ हो जाती है जब हम शॉट गन ले लेते हैं, मतलब लिटरली गाइस उनकी बैंड बज जाती है, मतलब जब हमारे हाथ में शॉट गन आ जाती है यार, लिटरली यार कोई वो सब नूब की तरह दिखाई देते हैं। उससे पहले ये जो मैंने गन ले ली है उसमें शायद वो लोग थोड़े चौड़े हो या फिर थोड़े प्रो बने हमारे सामने, बट उसके बाद गाइज उनकी वही हालत होगी जो लिखी है। तो गाइज शुरू हो गई है यहाँ पे मैच और सब लोग भाग रहे हैं, मतलब क्या ही उनको कुछ मिलने वाला हो सामने खाने के लिए, ऐसे भाग रहे इतनी तेज़। और ओके यहाँ पे दो बंदे दिख रहे हैं मेरे को और एक गया हमारे हाथों, एक और जाएगा। भाई तू यार, यार ये रिलोड होती है बहुत देर लगाती है और बहुत सिर्फ 30 ही गोली होती है, मैक कैपेसिटी थोड़ी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे, अबे क्या यार तुम लोग दो दो मिलके नहीं मार पा रहे हो यार, मैं आया और मर गया वो। ओके ये भी गया, गया तो हमारे 3 किल हो चुके हैं अच्छे वाले और टोटल 6। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ उल्टी डायरेक्शन में, दिखते हैं कि नहीं, मतलब गाइस जैसे हमारे 30 किल्स हो जाएंगे, ये तो मेरे को थोड़े नूब लग रहे हैं लोग। ये कहाँ गया भाई, भाग कहाँ है? अबे रुक जा, थम जा, थोड़ा मारने तो दे भाई, तू मुझे मार, रुक ही नहीं रहा, मतलब भागे जा रहा है यहाँ से वहाँ। रिलोड यार हो गई, सोचो यार इतनी तेज वो भाग रहा है फटाफट, रुक जा भाई। हाँ बस अभी रुके गाइस, ओके ये भी जाएगा, बच नहीं पाएगा, ये नूब लोग है गाइस एकदम, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हमारे डबल किल है 10 है और उनके 5। तो यार किल्स की जो रफ्तार है ना, जो चीज़ें तेज़ी से किल्स बढ़ रहे हैं वो देखिए गाइस एकदम स्लो है, मतलब एकदम आराम से। अभी तक सिर्फ 10 किल्स हुए और उनके भी 7-8, हमारे बंदे भी कुछ प्रो नहीं है गाइस, हमारे बंदे भी लिटरली एकदम नूब है, देखते ही हम लोग कितने लोगों को मार पाते हैं। और गाइस यहाँ पर 2 बंदे मर चुके हैं अपनी मिसाइल से। सो यहाँ पर ओके ये सब जाएंगे, ओके यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा, टोटल गाइस 15 किल हो चुके। क्या किया उसने कि हमारे बंदे जल गए सारे, जलाता है मेरे बंदों को, मेरे टीममेट्स को, पागल है क्या यार ये लोग, मतलब पंगा ले रहे गाइस, हमसे पंगा ले रहे, इनकी तो अभी मैं रील बनाता हूँ। देखिए क्या कर रहा है, लैग गाइस बहुत गंदा वाला लैग, मतलब क्या हुआ पता ही नहीं चला, वो गायब हो गया वहाँ से सीधा, लैग आया गाइस बहुत ख़राब वाला। ओके यहाँ पे फिर से हमारी गेम आ चुकी है अच्छे से और यहाँ पे आगे से जला देंगे सारे सबको, लैग क्यों करवाया उसने। ओके अभी यहाँ पे अच्छे खासे किल्स हो रहे गाइस हमारे, बट फिर भी रफ्तार उस मुकाबले स्लो है। अब देख लीजिएगा यार जब हम वो कर ले, अरे यार ओपन क्रेट, अरे क्रेट तो ओपन करने देता भाई, उससे पहले ही साला बीच में आ रहा है पागल। ओके यहाँ पे फिर से गाइस, यहाँ पे एक और बंदा मेरे को दिख रहा है सामने और उसने मेरे को मार दिया लिटरली यार, लिटरली गाइस उसने बहुत गंदा काम किया मेरे को मार के। अभी कोई नहीं, हम लोग इससे थोड़ा ट्राई करते हैं। और ये मैं नूब हो गया यार, वहाँ पे दीवार थी पता ही नहीं चला मेरे को मैप में, वो मिनी मैप में, और कोई मरा ही नहीं उसे, कोई नहीं। चलो गाइस वो होता है कभी कभी, गलती हो गई मेरे से। और यहाँ पे हमारे 30 किल्स होने वाले, बहुत नज़दीक है हम लोग, तो यहाँ पे मैं मर भी चुका हूँ अच्छे टाइम पर, एकदम सही टाइम पर, लेकिन इसने क्या किया इतने सारे बंदों को मार दिया। तो यहाँ पे हम लोड आउट को कर लेते हैं चेंज, अगली बार जब हम होंगे रिस्पॉन्ड तब हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली शॉट गन आ जाएगी। ओके यहाँ पे मुझे दिख रहे अच्छे खासे बंदे, वो मर गए सब। 30 किल्स हो गए, मारो यार मेरे को, ले मैं कुछ नहीं कर रहा, मार तो तू मार गाइस, कोई मार नहीं रहा मेरे को, मारो ना, अभी मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं है तब मार नहीं रहे हो, जब मारना होता है तब ठीक है, कोई नहीं गाइस यहाँ पे मैं इनके स्पॉन एरिया में आ चुका हूँ, यहाँ पे तो मारोगे ठीक है। चलो फाइनली उन्होंने मेरे को मार दिया पीछे से और कोई नहीं, अब देखिए अब हम गाइस इनकी कैसी रील बनाते हैं, उनकी कैसी बैंड बजाते और कितनी जल्दी हम लोग ये मैच जीत पाते हैं गाइस। उनके ये जो है ना, मतलब जो वो बहुत वो दिखा रहे थे ना कि भाई हम लोग ये देखिए 3 लोग, एक गया पहला शगुन, दूसरा भी जाएगा। और अभी यहाँ पे मैं उनके स्पॉन एरिया में फिर से आ चुका हूँ जहाँ पे उन्होंने, नहीं स्पॉन एरिया नहीं है गाइस,
तो जहाँ पे उन्होंने मेरे को मारा था शायद वहीं पे हम लोग, तेरे को पता नहीं, याद नहीं है ठीक से, शायद यही एरिया है गाइस, शायद यही एरिया है, कोई नहीं। चलो यहाँ से हम लोग थोड़ा दूर जाते हैं और यहाँ पर क्रेट आ चुका है तगड़ा वाले, इसको हम लोग ओपन कर लेते। पहले तो इनको मारते हैं, दो गए और तीन गाइस, तीन बंदों को एक साथ तड़ातड़ मार दिया है हमने। ओपन क्रेट कर देना वरना मार खाओगे ये लोग। तो यार मैंने ये फायर वाली गन क्यों ले ली हाथ में, ये प्लाज्मा गन नहीं लेनी चाहिए। ओके ये आ गया हमारे सामने। और गाइस ये बहुत अच्छा फीचर है, हम लोग यार इसको रखेंगे ना, ये अपने आप ऑटोमेटिकली रोबोटिक अपने आप सबको मारने लगेगा थर। तो यहाँ पे मैं एक और बार ट्राई करता हूँ इससे मारने का। मिनिमम दो बंदे मरने चाहिए, मुझे पता नहीं मिनिमम पाँच बंदे या चार बंदे मरे, क्योंकि वो पॉइंट्स थे वो तो 155 थे, पता नहीं वो क्या उनका काउंट है। कोई नहीं गाइस, ये रोबोट देखिए अपना आप, रोबोट तो नहीं कह सकते, मशीन गन ऑटोमेटिकली सबको उड़ा रही है। और शॉर्ट गन ले कि हम लोग यह मारने जा रहे हैं उनको। अभी सिर्फ 55 किल्स हो रही है, मतलब थोड़ी बहुत किल्स की रफ्तार बढ़ी तो है, क्योंकि यार वो 10 15 20 किल बहुत स्लो हो रहे थे। यहाँ पे एक गया, अबे नहीं मरा क्या, ठीक है रुक जा मैं वापस आकर मारूँगा। इसके बाद में गाइस बहुत ख़तरनाक स्नाइपर थी, तो हमें थोड़े शातिर से खेलना था। यहाँ पे एक और गया, उसका दोस्त यहाँ पे वापस आ गया ये अंदर। तो मेरे को क्यों नहीं मार रहा, तो इसको क्यों मार रहा है, इसको मेरे को मारना, मेरे से बात कर, नूब लोगों से बात कर रहा है यार वो, मर जा। अबे यार ये दूर चला गया ना गाइस, तो ये बच गया, ये फिर भी मरने का वाला था, भाग रहा था। अभी गाइस हो चुके हमारे 60 किल्स टोटल में। और ओके फिर से हम लोग इसे ट्राई करते हैं, कितने लोग मार पाएंगे हम लोग गाइस। ओके एक ही मरा, बट मरा कोई नहीं, चलो ये भी जाएगा। और गाइस यहाँ पे हम लोग उनके आ चुके हैं स्पॉन एरिया में, लिटरली गाइस ये उनका स्पॉन एरिया, मार क्यों नहीं पा रहा, ये जाएगा गाइस। अभी थोड़ी लैग हो गई थी, कोई नहीं चलो ये भी जाएगा, मतलब ये उनका स्पॉन एरिया गाइस। लिटरली आप सोचो यार, मैं उनके स्पॉन एरिया में आके आ रहा हूँ, तो दूसरा मेरा टीममेट जो उनको मारना है तो वो बेचारा मर गया है यूँ ही आते ही। तो ये लोग नूब है गाइस, सभी मतलब ये जो अपनी टीम के भी एक दो है नूब कुछ, कोई नहीं गाइस हम लोग ही जिताएंगे इस मैच को। और साला ये पीछे से वार करता है यार, पीछे से ना मारने वाला अच्छे नहीं लगते मेरे को यार, पीछे से कौन मारता है। चलो गाइस कोई नहीं, इसमें तो हम लोग उन्हें कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पे देखते ऑलरेडी, ओके दो बंदे यहाँ पे मर चुके हैं गाइस, बहुत ही तगड़े वाले। सो अभी हम लोग कुछ करते हैं, भाई ऊपर क्यों जा रहा है तू, कहाँ चला गया, नीचे भी उतर गया गाइस ये बंदा, भाई तू जाएगा, अबे रुक। यहाँ पे दो बंदे आ चुके हैं गाइस, ये लोग सोच के आएंगे चलो भाई दोनों, हम दोनों, ये तीसरा भी आया, हम तीनों मारेंगे सबको धड़। और तीनों ऐसे ही धड़ मर गए गाइस, खुद ही उनको पता नहीं चला कुछ, तो कहाँ हिल रहा है, रुक जा थम जा बस ये मरेगा। और अभी फायर वाली गन, और गाइस यहाँ पे मैंने ली जस्ट, और तभी मैच ख़त्म हो चुका है। लिटरली इतनी जल्दी मैच ख़त्म किया हमने, मतलब जब उनके 24 किल्स से हमारे कुछ 32-35 थे तब हमने ली थी ये शॉट गन। ये क्या नूब देखिए गाइस, ज़मीन में मार रहा था और क्या मारा उसने, ठीक है चलो छोड़ो उसको। और गाइस मतलब हमने इतनी लेट ली थी, और जब शॉट गन हमारे हाथ में आई तब ना मैच जस्ट ऐसे ऐसे हवा में ख़त्म हो गया, मतलब ऐसे ही ख़त्म हो गया था, ख़त्म हो गया मैच। सो यहाँ पे बहुत ही ओपी वाली शॉटगन से गाइस हमने किल्स किए, मतलब आज के तो हमने अलग किया, एमवीपी तो हमको बनना ही था। बहुत अच्छे पॉइंट्स के साथ गाइस हम लोग यहाँ पे बन चुके हैं एमवीपी इस मैच के, और बहुत ही मज़ा आ गया गाइस इस मैच को खेल के। अगर यार वो आपको शॉटगन से किल्स अच्छे लगे हो तो यार लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और जल्द ही कुछ बहुत ही नया आने वाला है। और हमारे यहाँ पे 39 किल्स लिटरली गाइस, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जल्द ही कुछ बहुत नया आने वाला है, हमारे 50 वीडियोज़ भी पूरे होने वाले चैनल पर। और गाइस आप कुछ भी करके 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दीजिए। हाँ जी गाइस, अगर आप लोग 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर देते हैं तो इतना बड़ा सरप्राइज़ आएगा, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, मतलब अलग गेम के। हाँ जी आपको गैस मिल गया होगा गाइस यहाँ पर। सो हाँ गाइस, तो अभी बहुत ही तगड़े आपके लिए कुछ वीडियोस आने वाले हैं। हाँ जी हम अभी काम चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा बहुत, और मुझे दिन में गाइस थोड़ा कम टाइम मिलता है जिसके कारण ना मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाता हूँ, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने एंड से। सो यहाँ पे गाइस मैं क्या बोल रहा था कि जल्द ही माइनक्राफ्ट, हाँ जी उसके ऊपर काम चल रहा है, और वीडियो शूटिंग मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छे, और सीख भी रहा हूँ माइनक्राफ्ट क्योंकि मेरे को अच्छे से आती नहीं है। तो जल्द बहुत ही अच्छे वाले माइनक्राफ्ट के वीडियोज़ आने वाले सर्वाइवल के, और उसके लिए रेडी रहेगा गाइस। और 100 सब्सक्राइबर जैसे ही पूरे होंगे मज़ा आ जाएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।